तारीफ में फकत जनाब से अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम टू अनदर वीडियो। कैसे हो आप सब? उम्मीद करते हो आप सब खैरियत से होंगे। तो दोपहर में बस मैंने अपने लिए कटलेट वगैरह बनाया और मुझे रूह अफ़ज़ा पीने का बहुत दिल चाह रहा था। आपको पता है गर्मी कितनी ज़्यादा हो गई है दो चार दिन से, तो मैंने बस रूह अफ़ज़ा बनाया अपने लिए। और इसके बाद मुझे जाना था अम्मी की तरफ आज, क्योंकि अगले दिन मतलब नेक्स्ट डे जो था 3 बजे के टाइम अम्मी दोपहर में मजलिस थी अम्मी लोगों के घर में, तो इसलिए मैं अपने हस्बैंड के साथ जा रही थी अम्मी की तरफ, और मैं, अलाया और मेरी हस्बैंड। और इसके बाद मैं अम्मी की तरफ पहुंच गई थी, और इसके बाद हम लोगों ने जाना था डॉक्टर के पास। सिस्टर को तबीयत कुछ ठीक नहीं थी मेरी बहन की, तो मेरी बहन और मैं और अलाया हम लोग गए डॉक्टर के पास। उसके बाद हम लोगों ने तबर्रुक का देना था ऑर्डर, तो हम लोगों ने वहाँ पर जाना था। अल्लाह वाला आपने सुना होगा बहुत फेमस वहाँ की बिरयानी है, और मेरे हस्बैंड को वहाँ की बिरयानी बहुत पसंद है। अच्छा, मुझे तो पसंद नहीं है खरीद नहीं, लेकिन मेरे हस्बैंड को बहुत पसंद है बिरयानी वहाँ की ना। तो उसके बाद मेरी सिस्टर और मैं पहले गए क्लिनिक, उसके बाद बहन ने दिखाना था, उनका बीपी थोड़ा सा हाई लग रहा था उनको, तो चेकअप वगैरह करवाया। और उसके बाद फिर अल्हम्दुलिल्लाह बहन की तबीयत बिल्कुल सेट थी, मतलब ये कि मेरे ख्याल से बीपी लो की वजह से हो रहा होगा, उनको लगा बीपी हाई है बट बीपी लो था। और यहाँ पे हम आ गए थे अल्लाह वाला, और यहाँ पे हमने करवानी थी बुकिंग अपनी अगले दिन की, मतलब तबर्रुक जब हमने बांटना था लोगों में, तो उसकी हम लोगों ने बुकिंग करवानी थी ताकि हमें कल टाइम टू टाइम हमें ये तबर्रुक मिल जाए। आप लोग बताइएगा किस किसने यहाँ की बिरयानी खाई है और किसने नहीं खाई है, मुझे ज़रूर बताना आप लोग कमेंट सेशन में आपको कैसी लगती है यहाँ की बिरयानी। और यहाँ पे ऊपर ऑफिस बना हुआ था, वहाँ पे बुकिंग वगैरह करवानी थी, और मेरी बहन वहाँ चली गई थी, तो मैं अलाया को लेके बैठ गई थोड़ी देर के लिए। इसके बाद बहन वापस आ गई थी, तो मैंने कहा, बहन ने कहा कि हम लोग ट्राई करते हैं यहाँ पे, यहाँ का फ़ास्ट फूड हमने कभी ट्राई नहीं किया। तो बहन ने फिर जिंगर बर्गर लिया मेरे लिए, मेरा तो मूड बिल्कुल नहीं था खाने का, लेकिन मेरी बहन ने कहा चलो हम ट्राई करते हैं। तो हमने जस्ट ट्राई करने के लिए यहाँ पर हमने खाया, एक हमने यहाँ पे जिंगर बर्गर ले लिया था, और एक हमने ब्रोस्ट क्वार्टर ले लिया था, सॉरी लेग, और अच्छा ही लगा मुझे, एवरेज लगा बस ना यहाँ का। और इसके बाद फिर हम लोग, हमारे घर के पास सोसाइटी है PECHS Block 2, तो वहाँ से हम लोगों ने थोड़ी चीज़ें वगैरह ली रात में खाने के लिए, आपको पता है रात में क्रेविंग होती है। उसके बाद हम लोग घर आ गए, फिर हम लोग घर के सो गए, फिर अगले दिन हम सुबह उठे, फिर अम्मी का चूड़ियाँ वगैरह ले आई थी, और फिर भाभी ने नाश्ता बनाया हम लोगों के लिए। नाश्ते में पराठे थे और ऑमलेट वगैरह, और क्योंकि आज मजलिस भी थी घर में तो हम जल्दी सो के उठ गए थे। अम्मी ने हम लोगों को जल्दी से ला दिया था रात को कि जल्दी उठ जाना कह के ना, तो हम लोग जल्दी सो गए थे। फिर हम लोग अगले दिन सुबह 10 बजे के टाइम पर उठ गए थे, फिर सफाई वगैरह की हम सब ने मिल कर सफाई वगैरह की घर की, और कोई किचन में काम करने लग गया, कोई झाड़ू पोछा, कोई धुलाई, कोई सफाई। इसके बाद मैंने फिर धुनी वगैरह दी घर में, क्योंकि आपको पता है पाक होना ज़रूरी है घर का बहुत ज़्यादा। चल हाँ, मिल गया, बड़ी मुश्किल से। अकरम 1 2 3 4 5। इसके बाद खैर मजलिस वगैरह ख़त्म हो गई थी, अपने घर आ गई थी, और फिर सो गई मैं, सो के उठी, सुबह नाश्ता वगैरह किया, फिर मैंने यहाँ हमारे घर के पास होम प्लस है, वहाँ से मैंने बस अपने वॉशरूम के लिए, क्लीनिंग के लिए सामान वगैरह थोड़ा मंगवाया, हार्पिक हो गया, टूथपेस्ट, और क्या कहते हैं
ब्लीच वगैरह मंगवाया, सर्फ वगैरह मंगवाया। खैर बस ये था आज का थोड़ा सा व्लॉग, और होप कि आपको आज का व्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, मुझे अपनी दुआ में बहुत ज़्यादा याद रखिएगा, और बताइएगा हम लोग कमेंट सेशन में कि आप लोगों को कैसा लगा। इजाज़त चाहती हूँ अब, अल्लाह हाफ़िज़।